आरजेडी के राष्ट्रीय महामंत्री श्याम रजक ने आरजेडी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हेमंत सोरेन को जेल से बेल मिली, इसका स्वागत करता हूं, जनता के अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी उसका पर्दाफाश हुआ। बीजेपी के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम संविधान मुद्दा है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल से भी ज्यादा बुरी स्थिति है। देश के एक राज्यपाल का परिवार ये बता रहा है कि संविधान हमारे हाथों में है। और अभी जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहे हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उनका वो स्वभाव आज से नहीं 5000 वर्षों से के उनके पूर्वजों का स्वभाव रहा है। और देश की आज़ादी के लड़ाई में भी उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खबरिया बन करके और देश की आज़ादी में बाधा करने का काम किया। आज उनको बहुत याद आ रहा है, आज कभी संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी आपातकाल में जेल में गए थे, आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन आपातकाल 50 साल पहले थी, हम उसके दंश से झेले थे, हम लोग भी 17 महीने जेल में रहे थे, हमने भी उसको सहा था, लेकिन आज उससे बुरी स्थिति है, तो नई आफत स्थिति को। और लेकिन मैं धृष्टता नहीं कर सका, क्योंकि आप लोग के साथ जो संबंध है उस संबंध में मैं अगर अनुपस्थित रहता और आपके साथ वार्तालाप नहीं करता, संवाद नहीं करता, तो मेरे लिए कमी रह जाती और आपकी शिकायत रह जाती। इसीलिए कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं आया, मैं एक निजी कार्यक्रम में आया, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो निश्चित तो मैं कार्यालय में आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हेमंत सरकार वापस आई और उनको जेल से बेल भी मिला, सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी उसके अनुरूप वो आए। और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बढ़िया से अब चलेगा। चूँकि आज देश की स्थिति, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से भारत की सरकार उबर नहीं पा रही है। सरकार में जनता ने जो जनादेश दिया, हम विपक्ष में बैठे, वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे तो जनता के बीच वो गए थे जिन सवालों को लेकर, उन सवाल उनके लिए गौण हो गया और उनके लिए वही हिंदू मुस्लिम संविधान वही उनके लिए एजेंडा रह गया। जनता ने उनको जो भी वोट दी वो विकास के लिए दी, महंगाई को ख़त्म करने के लिए दी, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए दी, लोगों में समानता के लिए दी, लोगों में सामाजिक सौहार्द के लिए दी, लेकिन वो उन बातों से अलग हट करके फिर वही। और उनको उत्तर प्रदेश जैसे जगह में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और अभी जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहे हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उनका वो स्वभाव आज से नहीं 5000 वर्षों से के उनके पूर्वजों का स्वभाव रहा है। और देश की आज़ादी के लड़ाई में भी उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खबरिया बन करके और देश की आज़ादी में बाधा करने का काम किया। आज उनको बहुत याद आ रहा है, आज कभी संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग भी आपातकाल में जेल में गए थे, आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन आपातकाल 50 साल पहले थी, हम उसके दंश से झेले थे, हम लोग भी 17 महीने जेल में रहे थे, हमने भी उसको सहा था, लेकिन आज उससे बुरी स्थिति है, तो नई आफत स्थिति को छोड़ करके आपात स्थिति को याद कराना, आप अपने जो दुर्गामी रहे हैं, आपकी जो समस्या है जिसका निजात नहीं कर रहे हैं, उससे आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समस्या क्या है आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन इस देश का अभी रिपोर्ट आया, आर्थिक रिपोर्ट जो आया है उसमें आप कहाँ खड़े हैं? आप वहाँ पर भी आप
बहुत नीचे पैदान पर हैं, आपकी स्थिति आर्थिक रूप से भी उत्पन्न है, आप इस झारखंड बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं इसको आप कोई विशेष सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि झारखंड के जो बकाए रॉयल्टी हैं उस रॉयल्टी के लिए भी आप कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। शैक्षणिक माहौल ऐसा है कि नीट में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप इसको वापस लेने के लिए या इसको रद्द करने के लिए आप करिए, लेकिन आप बार बार नई नई बातें कह कर करके आप सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाने का काम कर रहे हैं। तो शैक्षणिक स्तर पर भी आप जो हमारे लोग हैं उसको आप बेकार कर रहे हैं, आर्थिक रूप से आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इस देश की आप आर्थिक स्थिति कह रहे हैं कि ठीक है, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ है आपकी आर्थिक स्थिति? और 5 किलो अनाज से क्या उनका जो होना चाहिए बच्चों का पौष्टिकता, जो उनकी रैंकिंग होनी चाहिए वो हो रहे हैं क्या? उनके पास गेहूं और चावल खा करके क्या इस देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने का काम कर पाएंगे क्या? तो आप भूख सूचकांक में आप सबसे नीचे हैं, आपसे ऊपर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आप उससे नीचे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं, आप ही का आंकड़ा है। आप शैक्षणिक स्तर पर आप पीछे हैं, लॉ ऑर्डर में आप पीछे हैं, लॉ ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का बिक रहा है, अब तो यह हद हो गई कि आप इतने घमंडी, इतने बड़े आप अपने को कर लिए कि देश का एक राज्य का राज्यपाल का परिवार जिस तरह से लॉ ऑर्डर अपने हाथ में लेकर करके और यह एहसास कराने का काम कर रहा है कि संविधान हमारे हाथ में है। 5000 वर्षों के पहले जो बड़े लोग एहसास गरीबों का कराते थे कि देश समाज के हम मुखिया हैं, हमारे अनुसार चलना होगा, वही काम इस देश के जो मुखिया हैं उनके लोग हैं उस तरह का एहसास कराने का काम। तो लॉ ऑर्डर फेल, आर्थिक स्थिति पर हम फेल, शैक्षणिक स्थिति पर फेल, बेरोजगारी में आपने कहा था आपने नौकरी नहीं देने का काम किया, नौकरी नहीं दे रहे हैं, युवा जो है वो अपने आप को हतोत्साहित हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ठप होने को स्थिति में है, और आप सारे जो सरकारी संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं, बैंकों की स्थिति आपने कह दिया कि बैंक में लोन देने का काम मत कीजिए छोटे लोन, तो बड़े लोन अडानी अंबानी जैसे 20 घराने हैं जिसको आप लोन दीजिए और फिर उनको लोन को आप माफ कर दीजिए, और जो गरीब है किसान है आप एक तरफ करें। आए थे यहाँ के प्रभारी, मैं बड़े व्यक्ति रूप से मैं जानता हूँ उनको, क्या कहा, हम MSP दे रहे हैं, MSP देने की बात नहीं हो रही थी, आपने कहा था कि हम डबल किसानों को लाभ देने का काम करेंगे, और MSP की कानूनी गारंटी हमारे किसान आंदोलन के लोग आज भी उस सीमा पर, हरियाणा सीमा पर वो बैठे हुए हैं किसान कई 100 दिनों से, उस पर आपकी कोई चिंता नहीं। तो किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, सब लोग परेशान हैं। आप सरकार तो बैसाखी पर है, भारत की सरकार, लेकिन बैसाखी पर है इसको तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप न जातीय जनगणना कर रहे हैं, न भारत सरकार राज्यों को जो गरीब है, जो पिछड़ा है, झारखंड जैसा राज्य जो सबसे संपन्न राज्य था आज उसको कहाँ खड़ा करती है, वो नहीं मिल रहा है रॉयल्टी। तो इसलिए ये सरकार के खिलाफ जनता ने फैसला दिया, बाय इलेक्शन में भी कल्पना सोरेन जीती, ये जीत महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की रही, और जनता की जीत है, जनता ने बता दिया कि हम लोकसभा ही नहीं जो भी चुनाव होगा हम NDA को, भारतीय जनता पार्टी को हम स्वीकार नहीं करते।